मुजफ्फरपुर में बाबा बागेश्वर धाम के प्रधान पुजारी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर का जल्द उत्तर बिहार की आर्थिक राजधानी मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम हो सकता है। इसको लेकर मंगलवार को बागेश्वर सरकार की कोर कमेटी ने जिले के गरहा मैदान और पताही हवाई अड्डा मैदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बागेश्वर सरकार के कोर कमेटी के सदस्यों के साथ साथ मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता विकास कुमार भी मौजूद रहे। क्या प्रस्तावित कब तक है क्या उनके कार्यक्रम का? टेंट किस नहीं किया जाएगा, जगह को निरीक्षण किया गया है और बालाजी की कृपा होगी तो बहुत जल्द आप लोग को तिथि भी बताया जाएगा। इसलिए हम लोग सनातन धर्म के प्रचार को लेकर चल रहे हैं और महाराज जी का एक उद्देश्य है सभी हिंदू राष्ट्र को, इसलिए हम लोग मिलकर सभी को एक सहयोग देना है, इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। बोले जय श्री राम। जिस तरह से कुछ विपक्षी पार्टियां जो है बाबा को लेकर जो है, जहाँ पुण्य होता है वहाँ पाप होता है, जहाँ धर्म है वहाँ धर्म है। कितने जगह का स्थल निरीक्षण किया गया है बाबा? अभी दो जगह का निरीक्षण किया गया है। क्या प्रस्तावित कब तक बाबा यहाँ मुजफ्फरपुर पधारेंगे? देखिए कोशिश तो रहेगा बहुत जल्द जल्द में उनका आगमन हो हमारे क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में आए और पूरा राममय हमारा क्षेत्र हो जाए, और इसलिए हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं। जगह का निरीक्षण हो गया है, बहुत जल्द बताया जाएगा। बस बालाजी की जब कृपा हो जाएगी तिथि सुनिश्चित हो जाएगी। सीता मैया की धरती है, क्या बाबा जी फाइनल आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, हवाई अड्डे पे आएंगे। हवाई अड्डे पे बागेश्वर धाम की जय। बाबा परिचय दे देंगे। मैं अयोध्या जी से सूचना चाह रहे थे महाराज, हमारे गुरु भाई गोविंद आचार्य गुरु जी का अभी तो कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन यहाँ के जो आए हैं सबसे लोग आए हैं आए हैं, उनका आग्रह है कि वहाँ भी कार्यक्रम करें। तो व्यवस्थाएं देखने आया था, विजिट करने आया था, और 2024 में तो अभी डेट खाली नहीं है, अगर होगा तो लास्ट तक अपन कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, अभी कोई प्रोग्राम नहीं है। स्थल निरीक्षण कहाँ कहाँ किया गया है? दो जगह कराया गया, एक तो के पास जमीन और एक और हाईवे पे कराया गया। तो दो जगह में से जो भी फाइनल करेंगे, तो अभी मैंने फाइनल नहीं किया, अभी औपचारिक निरीक्षण किया। आगमन उनका लगभग तय है? अभी 23 में तो नहीं है, क्योंकि डेट अभी नहीं है, 24 में होगा तो लास्ट में होगा, अभी तो नहीं है। अच्छा सर, पूज्य महाराज श्री के चरण सेवक हूँ और आने वाले कार्यक्रम जो कार्यक्रम होते हैं मुजफ्फरपुर की धरती पे बाबा आएंगे तो लोगों को यहाँ बाबा का दर्शन मिलेगी। बिल्कुल, बिहार में पहली बार पधारे तो वहाँ ही हो जाएगा, पूरा बिहार राममय होने वाला है, राममय होने वाला है। भूमि बिहार में आए हुए बाबा बागेश्वर धाम सरकार के परम पूजनीय स्वामी श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो पटना में आयोजित कार्यक्रम चल रहा है, वही आज उनकी पूरी टीम और साथ ही साथ उनके भाई और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर बड़े भाई पूजनीय नितिन चौबे जी, उन लोगों ने आज उन लोगों का बाबा गरीब की पावन धरती पर आज उनका आगमन हुआ है। वो लोग आज मुजफ्फरपुर की धरती को भी निरीक्षण करने के लिए आए हैं। संभवतः इस वर्ष के अंत तक यहाँ पे भी बाबा बागेश्वर धाम का दरबार लगेगा, साथ ही साथ परम पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी कार्यक्रम किया जाएगा और भागवत कथा, हनुमंत कथा इत्यादि का भी आयोजन करना है। साथ ही साथ आज हम लोग पूरी टीम उनके स्वागत को, उनकी अगुवाई में हम लोग लगे हुए थे सुबह से और उनका भव्य स्वागत भी हुआ है। दो जगह निरीक्षण भी किया गया है, इसमें पताही एयरपोर्ट का और एक पताही एयरपोर्ट गोल्डन के पास भी एक निजी जमीन में भी वहाँ पे भी निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ पटियासा के आसपास में भी जमीन का निरीक्षण किया गया है। हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द बाबा का समय मिल जाएगा और हम सभी के बीच बाबा होंगे, पूरे मुजफ्फरपुर की जनता के सेवा में बाबा रहेंगे और पूरी माँ सीता के धरती पर राम पधारेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा बिहार भगमय हो गया है, राममय हो गया है और भारत अब हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत को, भारत माता की जय। श्री राम।